नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों देखिए, ये जिमीकंद हमारे यहाँ सूरन बोलते हैं, ये सूरन का बीज आ गया है, तो सूरन का बियारण होता है वो भी आ गया है। देखिए ये गाड़ी में से उतर रहा है, देखिए ये गाड़ी में से उतार रहे हैं अभी। फ्रेंड्स ये अभी 5-6 दिन के लिए अभी ये सुखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आगे आपको बताता हूँ कि अभी वो जनवरी का जो ठंड वाला धूप होती है वही में हम सुखा देंगे अभी 5 दिन। ज्यादा धूप तो अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो जनवरी वाली धूप होती है ना, ठंड वाली पवन के साथ, इसमें हम सुखा दी है। देखिए गाड़ी में से उतर रहा है, देखिए ये सड़ गई है, इसीलिए धूप में सुखाते हैं। देखिए इसलिए 5 दिन सुखाएंगे तो ये सूख जाएंगी, फिर उसको कुछ नहीं होगा। देखिए इसलिए सुखाना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसी होती है, इसलिए ये करना पड़ता है। देखिए ये सब सुखा दी है, ये पूरी अच्छी ही है। कहीं नंग ऐसा हो जाता है, इसलिए फिर ज्यादा बिगड़ ना जाए इसलिए सुखाना पड़ता है। पांच दिन के बाद फिर वापस उसको छाया में रख देंगे। आप वीडियो में बने रहे, आपको आगे मैं दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 5 दिन के बाद अब फिर से वापस ट्रॉली में भर रहे हैं। ये यहाँ से उठा लेंगे, ज़्यादा दिन तो धूप में रख नहीं सकते, जो ज़्यादा दिन रखेंगे तो फिर बिगड़ जाएंगे। यहाँ से उठा के छाया में रख देंगे, ये सब सूख गई है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं आगे कैसे सूख गई है। देखिए ये यहाँ से बिगड़ी हुई थी, तो सुखाने के बाद ये सूख गई है। अभी उसको अब कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगी। देखिए ये सब सूख गया है, ये भी देखिए सूख गई है ये। तब उसे कुछ नहीं होगा। यहां से सब उठा लेंगे और ट्रॉले में भर के छाये में रख देंगे शेड के नीचे। देखिए वापस भर लिया है। खबर नहीं हो,
यहाँ से उठा के शेड के नीचे ले जाएंगे। फ्रेंड्स अब ये सूरन को 5 दिन सुखा के देखिए ये अब छत के नीचे रख दिया है छाये में। ये अभी शेड है स्टोरेज का, इसमें रख दिया है। देखिए यहाँ सब रख देंगे। अगर आपके पास ऐसा शेड नहीं है तो आप पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, और पेड़ भी नहीं है तो वो ग्रीन कलर की नेट आती है वो भी लगा के नीचे रख सकते हैं। देखिए ऐसा शेड है यहाँ। ये अभी जनवरी का आज 23 तारीख हुई है, ये अप्रैल में फर्स्ट वीक में उसको रोपा जाएगा, अप्रैल में लगा देंगे फर्स्ट वीक में, और मार्च के एंड में उस ऊपर आंखें आ जाएगी। और देखिए ये अलग अलग विभाजित करते हैं किलो से ऊपर, और 700 से 1 किलो तक की अलग, और 500 से 700 ग्राम की अलग, और 500 ग्राम से नीचे जो वजन होता है वो भी अलग कर देंगे। देखिए ये 1 किलो 300 ग्राम है, ये सब किलो की ऊपर जो वजन है उसको हम काट देंगे, लेकिन अभी नहीं, जब उसको रोपने हैं तब। देखिए ये 1 किलो की है, उसको भी अलग की है। देखो ये 800 है, 800 ग्राम है। और ये देखिए 500 से 700 तक की है, 500 ग्राम से 700 ग्राम तक की है। ये देखिए देखिए ये 700 ग्राम है। और वो है सब 500 ग्राम से नीचे है उसका वजन। अब विभाजित इसलिए करना है कि खेत में अलग अलग उसको रोपा जाए, क्योंकि जो बड़ी होती है वो जल्दी हो जाती है और उससे छोटी है वो थोड़ा ज्यादा दिन लेगी, इसीलिए जब मार्केट में भाव अच्छा होता है रेट अच्छा होता है तब उसको जल्दी निकालने के लिए ये सब करते हैं। देखिए ये किलो से सब ऊपर है, ये वक्कल किलो के ऊपर है, उसको यहाँ से काट देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी उसको रख देना है। जब उसको लगाना है तब उसको काटना पड़ता है। यहाँ से आंखें निकलेगी, देखिए यहाँ से अभी तो बस ऐसे ही रख देना है उसको। तो किलो की है और किलो की काट के 500 ग्राम वजन हो जाएगा उसका, और किलो के सब नीचे है उसको ऐसे ही लगा देनी है, उसे काटना नहीं है।
सब अलग कर रहे हैं। फ्रेंड्स इसका चार वकल किया है। फ्रेंड्स देखिए ये सब कुछ अलग कर दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों देखिए ऐसे फिर रखनी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी 2 महीना यहाँ रहेंगी क्योंकि अप्रैल में लगानी है, अभी तो जनवरी चल रहा है। देखिए ऐसे रखनी है। पलट के रख देनी है और चार या पांच एक के ऊपर एक लगानी है। देखिए ऐसे मार्च के एंड में ये सब आंखें आ जाएगी उसकी, तब लगा देंगे। देखिए ऐसे रख दी है, बस ऐसे ऐसे ही रख देना है। थैंक यू।